माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि आगामी 14 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में तिरंगा के साथ शास्त्री नगर में सैकड़ों की संख्या में माले के सदस्य, शुभचिंतक और आम जनता अपने हाथों पर तिरंगा लेकर लहराएंगे और सभी अपने साथियों के हाथ में मोदी सरकार के 2014 और 2019 के वादे को 10 बजे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हेमंत सरकार के वादे को भी पढ़ा जाएगा ताकि आम लोगों को और आम वोटर्स को वादा याद रहे। केंद्र में मोदी सरकार वादा को पूरा नहीं करके अब मुद्दे को भटकाने के लिए काम कर रही है। कोरोना काल में थाली लोटा बजाओ अभियान चला, अब मुद्दे भटका भटकाओ अभियान चल रहा है। भारत की जनता 26 जनवरी और 15 अगस्त के महत्व को भली भांति जानती है। इसको भी राजनीति रूप में देखने वाली भाजपा सरकार मीडिया के बल पर पैसे के बल के मुद्दे भटकाने में सफल हो रही है। जनता को इस बात को समझना होगा, भाजपा सरकार मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। हर मोहल्ले में हर गली में 14 के वादे और 19 के वादे को पढ़ना होगा। राज्य सरकार का वादा भी केंद्र सरकार के जैसा ही है, इसलिए इसको भी पढ़ा जाएगा, याद दिलाया जाएगा। आगामी 14 अगस्त को शास्त्री नगर में 10 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक सुबह 2014 में जो मोदी सरकार ने वादा किया था और 2019 में जो मोदी सरकार ने वादा किया था उस वादे को पढ़ा जाएगा। पूरा डिटेल्स उसके बारे में चर्चा की जाएगी भाकपा माले के तरफ से और अब तक जो वादा पूरा नहीं हुआ उसके बारे में डिटेल से बात की जाएगी। साथ ही साथ हेमंत सरकार ने जो भी वादा किया था, जो चुनावी वादे दोनों ने किए थे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके बारे में एक चर्चा होगी। आम जनता को अलग अलग मुद्दों पर भटकाना केंद्र सरकार का खासकर हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है। जब भी मेन मुद्दे पे बात करने की हो, महंगाई की बात करनी हो, बेरोजगारी की बात करनी हो या जिस मुद्दे पर भी बात करनी हो, अगर देखा जाए तो 2014-2019 में जिन जिन वादों को उन्होंने किया था वो सारे के सारे वादे आज खोखले के तरह एक तरह से हम कह सकते हैं कि हवा में उड़ता जा रहा है। और आम जनता को अलग अलग मुद्दों पर, पहले कोरोना काल में थरिया बजाओ लोटा बजाओ शंख बजाओ आदि पर भ्रमित किया गया कि इससे कोरोना खत्म हो जाता है, पता नहीं किस साइंटिस्ट के द्वारा ये लाया गया था। पॉजिटिव माहौल के लिए बहुत सारा कार्य है, किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से भ्रमित किया गया। और साथ ही साथ अब के जो आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, इन 75वें साल को भी मानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर एक लोग जानते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से बताने का जो प्रयास किया जा रहा है यह प्रयास बिल्कुल ही गलत है। आम जनता को समझाने की जरूरत है कि ये वादे से भटका रहे हैं। जो 14 और 19 में जो वादा किया गया था उससे ये भटकाने के लिए एक तरह तरह का हथगंडा अपना रहे हैं। आप पूरा का पूरा नियंत्रित हो जाए कि जब 2 सालों में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 8 साल में ये 16 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए था इनके द्वारा, लेकिन आज सरकारी डाटा है कि केवल 7 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई। ऐसे कई वादे हैं, इन सारे वादों पर चर्चा किया जाएगा 14 अगस्त को शास्त्री नगर में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। आप तमाम लोगों से जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, आप तमाम लोग उस दिन आवें और हाथ में एक तिरंगा रखें और यहाँ पे 1 घंटे के कार्यक्रम में आप शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।